माशाल्लाह भाई, आप देखें काल के रखा था आप लोग को दिखाने के लिए, ये देखें। अब दुआ करें ये भी यार ठीक हो जाए, माशाल्लाह है बेहतर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और शौकीनों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं दो तीन दिन से वीडियो जो है नहीं बना पा रहा था, तो थोड़े से मसले मसाइल थे, थोड़े से काम थे, बिजी था। और दो तीन दिन से जो है बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही है और बर्ड्स को भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही माफ़ा कह दे। तो डफ के लिए तो धूप तो ठीक है, कोई मसला नहीं, इनके लिए जितनी धूप इनको लगेगी उतने ही अच्छी ब्रीड करेंगे। लेकिन जावा के लिए, मुर्गियों के लिए, शामों के लिए और चूज़ों के लिए ना, ज़्यादा गर्मी ना इनके लिए ठीक नहीं है। तो चलते हैं मास्टर केज के अंदर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मेरा एक फ़ोन जावा जो एक्सपायर हो चुका था, और कल जब मैंने देखा तो मेरा एक और फ़ोन जावा जो है बिल्कुल जो है बीमार हो चुका है। तो उसी टाइम मैंने उसको अलग किया, उसको पेनाडोल ब्रोफिन वगैरह लगा ली। मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो फ्रेंड ज़ेरा दुआ करें ये भी यार ठीक हो जाए, माशाल्लाह है बेहतर, बहुत बेहतर है। मैंने इसको पेनाडोल वाला पानी दिया था, ये आप देख सकते हैं। इसको फ़िलहाल जो है मैंने अलग कर दिया है। यार एक तो ये जो है ना चूज़े बहुत तंग करते हैं मुझे, अभी चौंचे मार रहे हैं पाँव में। ये देखो, छोड़ो भाई कुछ नहीं है, जाओ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें, ये आप चेक करें माशाल्लाह। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा ये एक्टिव और हेल्दी हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये फिर मेरे पाँव के ऊपर चढ़े हुए, पता नहीं क्या देख लिया इन लोगों ने। तो दोस्तों ये हमारे फ़ोन जावा, बाकी टोटल 10 पीस थे, एक जो एक्सपायर हो गया और एक जो है अभी समझ लो के बीमार है, अल्लाह इसको सेहती आप करे। ये आप देखते हो, ये बाकी हमारे फ़ोन जावा, माशाल्लाह माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं, हेल्दी। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे कारोबार में खैर बरकत करे, ठीक है, और इजाफा करे। ये हमारे वाइट जावा, जी। तो दोस्तों एक और सैड न्यूज़ है, हमारा जो है रेड पैड चिक जो है एक्सपायर हो चुका है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने निकाल के रखा था आप लोग को दिखाने के लिए, ये देखें। तो एक कारोबार है, बिजनेस है, परिंदा है, जान वाली चीज़ है, कोई मसला नहीं है, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, ठीक है। ये कम से कम अगर बच्चा सेल्फ हो जाता है तो 10 से 12 हज़ार रुपये का ये एक पीस है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, इसमें भी जो है हमारे अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। ये वाला गया तो दोबारा कोई दूसरा आ जाएगा, तो इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। इन चूज़ों ने बहुत तंग किया हुआ है, इनका जो है अलग ठिकाना करना पड़ेगा, अलग से जो है केज बनाना पड़ेगा। अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो परिंदों को भी ये तंग कर रहे हैं, परिंदों को भी ये तंग करें, और इनके लिए जो है अलग केज बनाना पड़ेगा। और ये जो है हमारे पट्ठे हैं माशाल्लाह, रेड पैड और डायमंड पैड, रेड पैड तो एक ही है, बाकी डायमंड पैड है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ओहो हो, ये रेड पैड आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह एक डायमंड का प्यार माशाल्लाह, और ये आप देखें माशाल्लाह रेड पैड का प्यार। आपको सही नहीं दिख रहा होगा, वहाँ से धूप आई ना इसलिए वीडियो सही नहीं बन रही होगी। और ये जो है हमारा रिंग नेक जो है मैंने पकड़ा था, आपको याद होगा वीडियो में मैंने शेयर की थी, मेल फीमेल दोनों पकड़े थे, मेल जो है मर चुका है, ये फीमेल है। और माशाल्लाह रेड पैड का चिप जो है चला गया, लेकिन उसके बदले माशाल्लाह से ब्रीड भी बहुत अच्छी आई हुई है माशाल्लाह। इस पेयर के भी जो है दो बच्चे हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, डिस्टर्ब होगा ये। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, जो आ रहा है बिस्मिल्लाह, अल्लाह हमारे कारोबार में और बरकत दे माशाल्लाह। इसके भी ये अभी कुछ भी नहीं है, इसका एक बच्चा ही रहा, और इसके भी जो है दो चिक्के हैं माशाल्लाह। इसके भी फिर हाथ ऊपर नहीं जा रहा, वरना तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर छत पे, अपनी मुर्गियों को भी देखते हैं क्या सुबह से हाल है, क्योंकि छत पे जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, तो हर टाइम जो है ना पानी वहाँ पड़ा रहता है। और मैं जो है उनको जो है ORS वाला भी पानी पिलाता हूँ, और पेनाडोल वगैरह भी मिक्स करके सारे परिंदों को मुर्गों को डाल दूँ, ताकि उनको गर्मी वगैरह नहीं लगे, और जिसको हल्का फुल्का बुखार है तो वो भी उनका सेट हो जाए। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं जी। तो फ्रेंड्स मैं बाहर आ गया हूँ, तो देखा मैंने ये निकल गया, ये देखो ये पहले से निकला हुआ था,
पता नहीं किससे निकल गया, शायद मैं अंदर जा रहा था तो ये बाहर निकल गया। अब इसको मैं नहीं देखता था, इसको कोई कौवा या चील वगैरह यूँ ले जाती। एक मिनट के अंदर आ जाओ भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा, कहाँ चला गया? हाँ आ जा, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का चूज़ा है, तो इसको डालते हैं अंदर। चलो भाई तुम अंदर जाओ, जाओ लड़ना नहीं भाई। ये देखें माशाल्लाह, ये जो है इनकी रखवाली करती है, मेरे सारे बर्ड्स की, सारे मुर्गों की रखवाली ये करती है। बहुत अच्छी है ये। ओहो हो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? तो दोस्तों चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ अपनी छत पे। गर्मी आजकल बहुत गर्मी हद से ज़्यादा, और कल जो है पूरे दिन में 7 से 8 घंटे लाइट गई है। बहुत परेशानी हुई है मुझे, क्योंकि मेरा इनक्यूबेटर जो है ना ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों लाइट पे थे, और मैनुअल तो बैटरी पे है ही नहीं, ऑटोमेटिक तो बैटरी पे था। बार बार जो है बैटरी लो हो रही थी, फिर मैं चार्ज कराने जा रहा था, फिर लो हो रही थी, फिर मैं चार्ज कराने जा रहा था। तो खैर रात गुजर गई, अल्लाह खैर कर सब ठीक होगा, अंडे वगैरह ख़राब नहीं होंगे, और माशाल्लाह से जो है हमारे चिक्स भी हैच हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये माशाल्लाह देखिए आप हमारा ड्रायो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेल की आप स्टैंडिंग चेंज करें माशाल्लाह। इसके साथ हमने एक ब्लू फीमेल लगाई है, एक ब्लैक और एक लाखी, वो पीछे खड़ी शायद आपको नज़र आ रही है, जूम कर देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा मैं जूम कर रहा हूँ ना, पूरा मुर्गा नज़र नहीं आ रहा, तो जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ताला इनको नज़र बस से बचाए, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। लाइट भी आपको दिखाता हूँ, जी तो फ्रेंड्स ये हमारा वाइट है पेयर, माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा माशाल्लाह। पेपर वाइट है, यंग पेयर है माशाल्लाह। मादी जो है अंडों के लिए तैयार है, एक जा भी रहे हैं फीमेल के, लेकिन ये फीमेल जो है मैंने ब्लैक मेल से जो क्रॉस करवाई है, क्योंकि मेल जो है अभी मतलब ब्रीड के लिए तैयार नहीं है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देखें, ये स्टैंडिंग देखें यार इसकी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बर्ड है ये माशाल्लाह, क्वालिटी बर्ड है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर बोलना है आपको। तो दोस्तों अभी चलते हैं नीचे और इनक्यूबेटर की तरफ, आपको एग्स वगैरह भी दिखाने, और माशाल्लाह चिक्स भी आए हैं वो भी दिखाने। गर्मी बहुत हो रही है, मैंने 2 मिनट से वीडियो बनाई है, हाल बुरा हो गया है। तो चलते हैं नीचे आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों ये जो है हमारा मैनुअल इनक्यूबेटर है, और रात को जो है चिक्स हैच हुए थे, कम से कम 10 चिक जो है हैच हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक चिक जो है एक्सपायर हो चुका है, वो शायद निकल नहीं पा रहा था, उसका कोई मसला हो रहा था। अभी भी जो है 2-3 चिक इसमें हैं, वो थोड़े से कमज़ोर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इनको ये गर्म वगैरह हवा लगती है ना, तो ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाकी, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देखें, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि भाई चिक्स भी आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, ये आप देख सकते हैं टोटल 10 चिक हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और इनको जो ये मैंने गुड़ वाला पानी दिया है, इससे जो इनका हाजमा अच्छा होता है। और ये दोबारा एग्स भी देखें माशाल्लाह, एक मुर्गी की भी मैंने बिठाई हुई है, ठीक है, 10 से 12 अंडों पर मुर्गी बिठाई हुई है असील शामू के एग्स के ऊपर। और ये हमारा ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर, इसके अंदर भी जो है माशाल्लाह से अंडे हैं, तकरीबन 15 एग्स तो होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे बर्ड्स के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हमें सेहतियाब करे, और हमारे बर्ड्स को भी जो है सेहतियाब करे, ठीक है, उनकी भी हेल्थ वगैरह जो है अच्छी करे, ठीक है, और हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।